दिन कर विदा। मेरे साजन का मुखड़ा है चांद, मैं आरती उतारूंगी। Hey guys, welcome to my YouTube channel. कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 16 तारीख और आज हम लोग करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने आए हैं। आप लोगों को तो पता है ही, कल है करवा चौथ, तो अभी हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगाने आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, वीडियो होने वाली है काफ़ी लंबी और काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आ चुके थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और हमारा नंबर इस भीड़ में बहुत मुश्किल से आया है। हम लोगों ने लगभग 3.5 घंटे तक वहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद 12 बजे हमारा नंबर आया और 1 बजे तक हमारी मेहंदी लगी। सो गाइस, आप लोग लगा सकते हैं हमें कितनी देर तक वहाँ पे रुकना पड़ा। गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो गाइज, आज है 17 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। सो आप सभी लोगों को मेरी ओर से करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो गाइज, अभी बज रही है सुबह की 9 और अभी जस्ट मैं मंदिर होके आ गई हूँ। कि मैंने जितने भी करवा चौथ के फास्ट रखे हैं उनमें मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं सुबह उठ के नहा धो के मंदिर चले जाती हूँ। और आप लोग ये देख सकते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को जरूर बताना। और आप लोग मेरी मेहंदी देख सकते हैं, अच्छी लग रही है ना। इस मेहंदी को लगाने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। हम गए थे रात के 8:30 बजे और हमें वहां पे 12:30 बज गए। 12:30 बजने के बाद ही हमारी मेहंदी कंप्लीट हो पाई। मतलब आप लोग ये लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा वहां पे भीड़ थी कि हमारा नंबर ही नहीं आया। नंबर आया तो 11:30 के बाद, तो 1 घंटे में उन्होंने हमारी मेहंदी फिनिश कर ली। बहुत ज्यादा सिरदर्द हो गया और फिर वही 3 बजे हम लोग उठ गए थे सरगी खाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं नींद, आंखें अजीब सी उड़ की हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है और साथ ही साथ मुझे जुखाम भी लगा हुआ है। तो खैर गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को अपना करवा चौथ का व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या करूंगी। तो आप लोग आगे मेरी इस वीडियो में सब कुछ देखोगे। सो आप लोग वेट कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ देर में मिलती हूँ। सो हे गाइस, टाइम हो चुका है 11:00 बज चुकी है और क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कल रात 12 बजे तक मैंने आपको बताया था ना कि 12 बजे तक, तो 12:30 बजे तक तो मेरी मेहंदी लगी। उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद फिर 2 घंटे में सोई होंगी। उसके बाद फिर मैं 3 बजे उठ गई थी सरगी खाने के लिए, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई और अभी मेरी आंखों में इतनी दर्द हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है कि सोना है अब तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, फास्ट में सोते नहीं है, हालत खराब हो रही है। वैसे तो मैं करवा चौथ में नॉर्मली रहती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस बार मैं सो ही नहीं थी तो सोने का ही मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा है। मुझे नींद आ रही है और आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, साथ में सिर दर्द भी होने लग गया है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं।
सो आप लोग देख सकते हैं मैं कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है हैवी कपड़ों में। मैं हैवी कपड़ों में कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी मैं कुछ देर वैसे ही सोऊंगी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी, कमर सीधी करूंगी, मतलब कहने का ये है मैं अपनी कमर सीधी करूंगी, उसके बाद 4 बजे हम पूजा शुरू कर देंगे। सो, आप लोगों को मैं अब सीधा पूजा के टाइम पे मिलती हूँ। सो गाइज, अब हम लोग पूजा करने के लिए आ चुके हैं नीचे, 3:30 हो चुकी है। सो हमारे में बोला जाता है 4 बजे से पहले, मतलब करेक्ट 4 बजे तक हमारी पूजा हो जानी चाहिए। तो हम लोग पूजा के लिए आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें, मतलब जो भी पूजा में रखते हैं चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने जो भी मम्मी को देना है या फिर जो हम पहले चढ़ाते हैं फल फ्रूट भगवान जी को, तो वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद गाइज हम लोग पूजा करना शुरू करने लगे हैं। सो यहाँ पे मैं जो होती है कथा पढ़ रही हूँ और मेरी देवरानी यहाँ पे कथा सुनेगी, क्योंकि वो अभी न्यूली मैरिड है तो उसे इतना पता नहीं है, तो मैं अभी उसको कथा पढ़ के सुना रही हूँ। और साथ में हम जो कथा के नियम होते हैं, जो हमने जल चढ़ाना होता है उसमें चावल डालते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। सो गाइज, अभी हम तैयारी कर रहे हैं रात के भोजन की। तो आज हम बना रहे हैं पूरियां। आप लोग देख सकते हैं मैं तल रही हूँ, साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी पूरियां मैं बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ में हमने पहले से ही पनीर बना लिया था और खीर बनाई हुई है, साथ में हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई है। इन सारी रेसिपी को मैं सूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, अब मैं हो रही हूँ रेडी, अपना मेकअप करने जा रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए, सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर दूंगी। फेस को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। मैंने वैसे भी आप सभी लोगों को पहले बता दिया था कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ। मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे SQ का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, उसे भी मैं अच्छे से अपने फेस पे डिप कर लूँगी। प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी एक आईब्रो पेंसिल की मदद से। अब मैं अपने फेस पे NYB का CC क्रीम और SQ का लिक्विड फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी।
उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे अपना आईज मेकअप करूंगी, तो सबसे तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम लाइट कलर का, पिंक लाइट कलर का कलर चूज किया है, जिससे मैं अपने आई का बेस बनाऊंगी पहले। तो जब भी हम अपने आई पे कलर करते हैं तो सबसे पहले हमें लाइट ही कलर यूज करना चाहिए, डार्क कलर हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पिंक शेड का लाइट कलर यूज कर रही हूँ। सो आई मेकअप तो पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आई लाइनर लगाऊंगी। आई लाइनर लगाने के बाद मैं ये पर्पल का मस्कारा यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है। उसके बाद मैं अपने फेस पे थोड़ा सी शाइन लाने के लिए हाइलाइटर यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पे वेलावॉस का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, पिंक शेड का है, जो कि मेरी साड़ी से बिल्कुल मिल रहा है। तो अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर अपने फेस पे डाल दिया है और उसके बाद मैं इस मेकअप फिक्सर को सेट कर दूंगी। सो गाइस फाइनली मेरा पूरा मेकअप हो चुका है, अब मैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से तैयार होके आती हूँ। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा मेकअप मुझे जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। तो गाइज अभी चांद आ चुका है, काफी वेट करने के बाद चांद निकल चुका है। अभी हमारे यहाँ पे चांद आया है 8:38 पे, तो हम लोग अब अपने पतियों की पूजा करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा फीलिंग दा रख ले ध्यान वे, करिए नक तू एक एहसान वे। सो हे गाइस अभी बज रही हैं रात की 10 और अभी जाके हमने पूजा की है और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चांद निकला था और हम लोग पूजा कर चुके हैं और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। सो मैंने सोचा आप लोगों को पहले बाय बाय बोल दूं। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। हेलो गाइस, सो आज की करवा चौथ की वीडियो मेरी दी ने आपके लिए तैयार कर रही है, तो आप जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद होती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना कैसी आपको लगी। बाकी ये आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहेंगी, प्लीज डू लाइक एंड शेयर हर वीडियो प्लीज। सो गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।